हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जावा में स्ट्रिंग क्लास के टू कैर एरे मेथड के बारे में। बेसिकली टू कैर एरे मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे के इक्वलेंट में चेंज करने के लिए। सो गाइस, आइए देखते हैं पहले थियोरेटिकली ये क्या करता है, देन इसके बाद में हम इसको कोड में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो आवर मैथड इज़ टू कैर एरे, दिस इज़ आवर मैथड। एंड रिटर्न टाइप देखिए, इसका कैरेक्टर टाइप का एरे ये हमें रिटर्न करके देता है। एंड करता क्या है, ये कन्वर्ट्स दिस स्ट्रिंग टू ए न्यू कैरेक्टर एरे। हमारी स्ट्रिंग को एक नए कैरेक्टर एरे में हमें कन्वर्ट करके देता है, राइट। जैसे हमने गेट बाइट्स का यूज़ किया था, गेट बाइट्स क्या करता है, कैरेक्टर सॉरी स्ट्रिंग को हमें बाइट्स एरे में कन्वर्ट करके देता है, राइट। वैसे ही हमें क्या करेगा, स्ट्रिंग से एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेगा, उसे एक एरे में स्टोर करेगा एंड फाइनली वो एरे हमें रिटर्न कर देगा। सो लेट्स चेक इट ऑन प्रैक्टिकल। सो गाइज, ये कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, नई फाइल बनाई हमने और स्ट्रिंग हमने s1 ले रखी है। नाउ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का एक एरे बना देते हैं इंस्टेड ऑफ बाइट। सो इसको नाम दे दिया मैंने कैर्स। तो कैर्स हमारा एरे हो गया एंड हमने यहाँ पे कॉल किया टू कैर एरे, फाइन। तो ये कैरेक्टर एरे आ गया। नाउ हमारे पास में प्रिंट कराने के लिए है कैरेक्टर सी, हमने ले लिया एक कैर्स वाले से एक वैल्यू पिक करी एंड सी को हम प्रिंट करा देते हैं। सॉरी, ये कैपिटल लिख दिया गलती से और इसको हमने कर दिया स्ट्रिंग टू कैर एरे, इसी नाम से हम इसे सेव भी कर देते हैं। गिटअप पे भी मैं इसको इसी नाम से अपलोड कर रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड भी इसको कर सकते हो प्रोग्राम को। सो इसे हमने सेव किया, ठीक है। तो अब ये बेसिकली करेगा क्या, जैसे ही हम इस टू कैर एरे मेथड को यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, सबसे पहले टू कैर एरे इंटरनली स्ट्रिंग की लेंथ को चेक करता है। जैसे अभी इसकी लेंथ क्या आएगी हमारे पास में, 5 आएगी, राइट। तो इंटरनली ये क्या करेगा, टू कैर एरे 5 लेंथ का एक एरे क्रिएट कर देगा, ठीक है। ये 5 लेंथ का एरे हो गया, देन एक एक कैरेक्टर को उठा के इस एरे में फिल कर देगा ए बी सी डी ई एंड फाइनली इस एरे को ये रिटर्न करेगा। सो ये एरे जो है वो हमारा कैर्स वाले में आकर के स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये मैं हटा देता हूँ जो मैंने आपको समझाया अभी, दिस शुड बी क्लियर्ड। नाउ हम सेव करा, राइट क्लिक किया रन करने के लिए, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, देन cmd में हम गए, जावा सी स्ट्रिंग टू कैर एरे डॉट जावा, इसे हमने किया कंपाइल, सक्सेसफुली कंपाइल्ड। नाउ इसे रन करना है, तो स्ट्रिंग टू कैर एरे को हमने करा दिया रन। सो दिस इज अवर ए बी सी डी ई, फाइन। सो इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। होप सो गाइज, ये जो मेथड है आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।